Aswallahu Rajim, As Alaikum, dear students of class 11th. So, uh, we have done uh, two, uh, two lessons from the Hornbill book. So, today I'm going to teach you um, a story from the snapshot book that is The Summer of the Beautiful White Horse, which was written by an American author, Willem Sedoyan. सो फस्ट ऑफ ऑल लेट वी नो समथिंग अबाउट द रटर विलम्स रोय तो विल्यम्स रोयन जो है उसके वो कहाँ से था अमेरिका से तो ही वाज बॉर्न ऑन अगस्त थर्टी वन नाइनटीन एट एंड आयर एट में नाइन्टीन एटी वन ही वॉज़ अवेलिस्ट प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर he was awarded the pulitzer prize for drama in 1940 and 1943 he won the academy award for best story for the film the human comedy so originally his um, story the human comedy was rejected by the studio, studio but uh, later he uh, turned it, uh, the story into a novel the human comedy तो सरोयन uh, जो है अर्मेनियन इम माइग्रेन लाइफ इन कैलिफोर्निया उनके बारे में ज़्यादा लिखते थे यानी कि ट्राइब्स के बारे में इम माइग्रेन हम ट्राइब्स को कहेंगे तो अर्मेनिया में जितने भी ट्राइब्स रहते थे तो उनके बारे में ये लिखते थे मैनी ऑफ स्टोरीज एंड प्ले आर सेंट इन हिज नेटिव बहुत सारे स्टोरीज़ और प्लेस जो है आ, वो सेट किया है आर सेट इन नेटिव फ्रेंड्स को यानी कि अपने नेटिव लैंड के बारे लैंड से रिलेटेड इसने है, जो है बहुत सारी स्टोरीज और प्ले लिखा है कुछ फेमस वॉक है इसका बेस्ट वॉक जैसे कि द टाइम ऑफ योर लाइफ नेम इज़ एराम एंड माय हार्ट इन द हाईलैंड तो ये हुआ ऑथर के बारे में विलियम सरोयान के बारे में तो इसके बाद कुछ स्टोरी का इंट्रोडक्शन देख लेना द स्टोरी रिटन बाई किसने लिखा था विलियम सरोयान डील्स विद हिस चाइल्ड एक्सपीरियंस अमंग द आर्मेनियन अमेरिकन फ्रूड ग्रोअर एंड टॉक ऑफ़ देयर बीन अप्रूटेड फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस तो ये उसका अपना चाइल्ड एक्सपीरियंस के बारे में है उससे रिलेटेड है जो कि आर्मेनियन अमेरिकन फ्रूड ग्रोवर फ्रूट क्रोवर्स से रिलेटेड और ये मतलब हमें बताता है कि किस तरह से उनको अपने नेटिव प्लेस से निकालते थे यानी कि उन ट्राइब्स को किस तरह से अपनी जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था द ह्यूमन स्टोरी रीड विद टू यंग आई मैन इन बॉयज हो फॉर अवे फ्राम द वैल्यूज़ ऑफ देयर रेस्क तो ये स्टोरी जो है मेनली दो आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में दो आर्मेनियन यंग बॉयज़ के बारे में जो अपने जो ट्राइब का क्या करता है मतलब उनका एक वैल्यू होता है अपने रेस का वो उनको मतलब उनकी रेस्पेक्ट नहीं करता है या उनको उनकी वैल्यूज़ की मतलब इ रेस्पेक्ट करता है या उनकी वैल्यूज़ को छोड़ कर, कुछ और काम करता है दे ग्यू आप ऑफ देयर फेथ ट्रुथ एंड ऑनेस्टी फॉर विच दियर ट्राइब इज़ फेमर तो उनके ट्राइब था ट्रुथ ओ ओ ऑनेस्टी फेथ इनकी वजह से फेमस था उनका ट्राइब तो ये दोनों क्या करते हैं कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से मतलब ये भव करता है कि अपना फेथ ट्रुथ और ऑनेस्टी ऑनेस्टी को जो कि जिसकी वजह से उनका ट्राइब जो ट्राइब वो जो था वो हाँ तो मेनली स्टोरी में आ, कुछ कैरेक्टर होगा तो इनके बारे में हम देखते हैं पहला कैरेक्टर होगा एरम एक नाइन ईयर ओल्ड आर्मेनियन बॉय बिलोंगिंग टू गैरन ट्राइब एक नौ साल के बच्चे जो कि कहाँ से बिलोंग करता है गैर गहलियन ट्राइब यानी कि वही आर्मेनियन ट्राइब आर्मेनिया के एक ट्राइब का नाम है तो दूसरा मुराद ये होता है एरम का कज़न एन आर्मेनियन बॉय ऑफ थर्टीन बिलोंगिंग टू गरुहलन ट्राइब कज़न ऑफ एरम और एक होता है कैरेक्टर अंकल खुसरो एरम का एरम्स अंकल एरम का अंकल होता है उनके ट्राइब से कोई आदमी होता है क्राजी पर्सन विद ए पावरफुल हेड और फोर्थ कैरेक्टर होता है जॉन बायरो एक फार्मर होता है फिर का मदर और एक कैरेक्टर होता है इसमें वाइट हॉर्स तो स्टोरी को हम शुरू करते हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो कि लिखा था विलियम सरोयान तो पहले हमने इंट्रो में पढ़ा और कुछ मेन कैरेक्टर के बारे में भी हमने पढ़ा तो स्टोरी को स्टार्ट uh, करते हैं तो पेज नंबर फर्स्ट पे देख लेना वन डे बैक दियर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज नाइन एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ़ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्नीफिशन एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस ड्रीम माय मई मुराद हु वॉज़ कंसिडर क्रेजी बाई एवरी बॉडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी केम टू माई हाउस एट फोर इन द इविनिंग मॉर्निंग एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन दिनो ऑफ माई रूम तो स्टोरी कौन सुनाता है एरम जो कि नौ साल का था तो एरम हमें बताता है कि वो दिन जो है मतलब गुड ओल्ड डेज था यानी कि जब वो नौ साल जब वो नौ साल के थे तब क्या था ये वॉल जो है एक इमेजिनेबल काइंड ऑफ वॉल था यानी कि पूरा क्या होता था एक इन, मतलब हर तरह से खुशहाली था यानी कि बच्चों को कोई भी मतलब किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता तो उस टाइम जो है बच्चों को जब जब बच्चे नौ साल के होते हैं तब वो लोग क्या होता है हर तरह से फ्री होता है तो अरम भी क्या था फ्री था और वो मतलब उस दिन को याद करते हैं कि वो कितना अच्छा दिन था और कितनी खुशहाली थी हर जगह और लाइफ जो है कितना डिलइड और मिस्टूरियस ड्रीम था और उनका और उसका कज़न मुराद जो है जिसको मतलब हर कोई क्रेज़ी मानता था हर कोई लेकिन मतलब उसको मतलब मुराद को एरम से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता था कोई भी नहीं जानता था तो क्या हुआ कि मुराद हमारे घर यानी कि एरम के घर आया लगभग सुबह के चार बजे और ए, मुरा, मुराद क्या कर रहा था एरम को उठा रहा था विंडो पे टैप कर यानी कि ठक ठक करके उसको उठा रहा था वो क्या कह रहा था एरम ही सर वो कह रहा था मुराद एरम आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ विंडो फिर एरम ने क्या क्या कि अपने बेड से उठा और विंडो पे देखा आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा विंडो से बाहर देखा तो उसको बिलीव नहीं हुआ कि जो उसने देखा इट वॉज़ नॉट मॉर्निंग यर्ड बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज़ लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीम तो एरम बताता है कि ये अभी मॉर्निंग नहीं हुआ था अभी सुबह के चार बजे थे तो सम मॉर्निंग तो नहीं हुआ था लेकिन समर का टाइम था समर के टाइम में जल्दी सुबह हो जाती है तो सुबह होने में कुछ ही मिनट बाकी थे तो इतना लाइट था कि मैं बाहर जो है बाहर कौन है मतलब मुराद था और आ, बाहर जो है मैं जो देख रहा था वो तो इतना लाइट काफ़ी था कि मैं मेरे लिए इतना लाइट काफ़ी था कि मैं बाहर जो है क्लियरली देख सकता था और मैं आ, ये जानने के लिए काफ़ी था कि मैं ड्रीम नहीं देख रहा हूँ माय कज़न मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हाउस तो उसने क्या देखा था कि पहले उसने बताया था कि जो मैंने देखा उस पर मैंने बिलीव मुझे यकीन नहीं हुआ तो मेरे कज़न मुराद जो है एक ब्यूटीफुल वाइट हाउस पे बैठा हुआ था आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रफ माई आज फिर मैंने क्या किया ने कि अपना हेड जो है विंडो से बाहर निकाला और आँख अपनी आँखों को रब करने लगा यस ही सेट इन एर्मेनियन इट इज़ अ हॉर्स यू आर नॉट ड्रीमिंग मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड तो उसने क्या कहा कि यस yes, सही है ये एक घोड़ा है और तुम सपना नहीं देख रहा हो तो क्या करो अगर तुम इस पर राइड करना चाहते हो तो जल्दी से नीचे आ जाओ तो आई न्यू माई कज़न मुराद इंजॉय इंजॉयड बीन अ लाइफ मोर देन एनी बॉडी एल्स हु हैड एवर फारेन इन टू द वर्ल्ड बाई मिसटेक पर दिस वास मोर दैन एवन आई कुड बिलीव मैं अपने कज़न मुराद को जानता था कि वो मतलब अपने लाइफ में काफ़ी इन्जॉय करता है तो मतलब जितना मैं लोगों को तो मैं अपने कज़न मुराद को जानता हूँ कि वो मतलब इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है मतलब हर आ... किसी से ज़्यादा इंजॉय जो है आ, मुराद करता था बट दिस वॉज़ मोर देन इवन आई कुड बिलीव लेकिन इस टाइम जो है मैंने ऐसा देखा कि मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता था तो इसमें बताया कि जो कोई भी बाय मिस्टेक इस दुनिया में इस वर्ल्ड में पैदा हुआ हो लेकिन सबसे ज़्यादा जो है एंजॉय कज़न उसके कज़न मुराद करता था तो इस बार उसको बिलीव नहीं हुआ जो उसके पास था यानी कि उसने एक वाइट हॉर्स अपने साथ लाया था तो इन द फर्स्ट प्लेस माय अर्लीस्ट मेमोरीज़ हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स एंड माय फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड तो पहले आ, तो मुझे ये ख्याल आया कि मतलब घोड़े के बारे में कि ये कहाँ से लाया होगा और आ, फर्स्ट वही उसी टाइम मुझे उस घोड़े पे राइड करने का भी क्या था शौक़ था दिस वाज द वंडरफुल पार्ट और ये पार्ट जो है वंडरफुल पार्ट था द सेकंड प्लेस वी वेर पुअर दूसरा मैंने सोचा कि हम गरीब हैं पहले भी बताया कि वो एक वो ट्राइब से बिलोंग करता था तो हम गरीब है कि उसने सोचा कि इसके पास पैसे कहाँ से आए होंगे घोड़े ख़रीदने के लिए दिस वॉज़ अ पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव आई आसा और ये वो पार्ट था कि मुझे बिली मतलब ये वो पार्ट था कि आ, ये जो है मतलब मुझे परमिट नहीं कर रहा था कि Uh, मैं इस पे बिलीव करूँ जो मैंने देखा मैं इस पे बिलीव करूँ तो मुझे लगा कि हम तो करीब है और पैसे भी नहीं है इतना मतलब घोड़ा ख़रीदने के लिए तो मैं इस पे कैसे बिलीव कर सकता हूँ कि ये घोड़ा इसने ख़रीद के लाया होगा तो वी वर पॉर वी हैड नो मनी अवर होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्ट्राइकन तो हम इतने गरीब थे कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे हमारे पूरा ट्राइब पोर्टी स्ट्राइकन था गरीबी में डूबा हुआ था एवरी ब्रांच ऑफ़ अ गैरुहेलन फैमिली वास लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पोवर्टी इन द वर्ल्ड तो पूरे हमारे गैरुक्यलिन फैमिली यानी कि एक एलमियन ट्राइब है वो, वो लोग मतलब उस तो पूरे ट्राइब में क्या था वो पूरा ट्राइब जो है हमारे पूरा ट्राइब पूरा क्या था गरीब था और पूरा वर्ल्ड में एक गरीबी में हम सफ़र कर रहे थे तो <coughs> नॉ बड़ यू कुंडरस्टेंड वर वी कैन गेट गोड मनी इनाफ टू की बस विद फूड इन अवर बैलेस नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली तो कोई ये नहीं समझता था कि हम आज का खाना जो है हमारा जो मतलब आज हम अपना पेट कैसे भरेंगे ये नहीं जानता था मतलब कोई भी ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली भी ये नहीं जानता था हम इतने गरीब थे कि हम आ, जो है दिन का खाना कैसे हम मतलब पूरा करेंगे वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक अलेवेंथ सेंचुरी तो हमारे ट्राइब जो है ऑनेस्टी के लिए ट्रुथ के लिए फ़ेमस था कि कुछ अलेवन सेंचुरी से यानी कि ग्यारह सौ सालों से उसके लिए फेमस था तो पूरा वर्ल्ड में क्या था कि हम पूरा वर्ल्ड में ट्रूथ और ऑनेस्टी के लिए फ़ेमस था तो हम आ, उस पर क्या करते थे प्रॉड करते थे आ, और उसके बाद जो है न, तो कोई भी जो है हमारे ट्राइब में से कोई भी मतलब वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बॉडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन लेट अलोन स्टील मतलब कोई भी हमारे ट्राइब में से किसी को नुकसान नुकसान देने की कोशिश भी नहीं करता था और कोई भी चोरी भी नहीं करता था ऐसा सोचता भी नहीं था तो हमारा ट्राइब क्या था एराम बोलता है कि हमारा ट्राइब क्या था पूरा ट्रुथ के लिए ओनेस्टी के लिए पूरा ओनेस्टी की वजह से फेमस था तो आज की वीडियो में यहाँ पे रखते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे तब तक के लिए खुदाफिज़